आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट नेचुरल वेजिटेशन जो वर्ड की, और वहाँ की पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ के बारे में। सबको पता है प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, सर्वाइवल के लिए इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें ये एक किसी एरिया में रहते हैं और एक अपना कॉम्प्लेक्स रिलेशन बनाकर उस एरिया में विद इन्वायरमेंट सर्वाइव करते हैं। बायोम जो है वो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जिसका विस्तार होता है और वहाँ पर कोई एक स्पेशल करेक्ट वेजिटेशन पाई जाती है। नेचुरल वेजिटेशन जो अर्थ पर पाई जाती है वो हर क्षेत्र की डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसके बहुत से फैक्टर होते हैं जिस वजह से वो डिफरेंट होती है। जिनमें आपका है सूर्य की ऊपर वो रोशनी हर जगह पर उसके अमाउंट में अलग अलग वेरिएशन होता है, अमाउंट ऑफ सनलाइट है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा है, कहीं पर बारिश बहुत कम होती है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ सॉइल है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस है, यानी उस क्षेत्र की ऊंचाई, समुद्र से उस क्षेत्र की क्या हाइट है, वो भी उस एरिया में पाई जाने वाले वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। देन कुछ वेजिटेशन है वर्ल्ड की जो जहाँ जैसे कि ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, और या कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं पाई जाती है जिन्हें टुंड्रा कहा जाता है। एंड देन माउंटेन वेजिटेशन भी है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है वेजिटेशन के टाइप्स में फॉरेस्ट, जिसमें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के पास पाए जाने वाले जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में आते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ के जो जंगल है वो बहुत घने हैं, साल भर इनकी पत्तियां नहीं गिरती हैं पौधों की, इन पेड़ों की, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। देन जो यहाँ पर पाए जाने पेड़ पौधे हैं वो आपस में इतने ज्यादा ओवरलैप हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनकी ब्रांचेस एक दूसरे को टच करती हैं, अपनी पत्तियों से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और एक कैनोपी बना देते हैं। कैनोपी मीन्स यहाँ पर एक तंबू जैसा शेप दे देते हैं जिसकी वजह से सूर्य की जो रोशनी है वो धरती तक नहीं आ पाती है। इसके अलावा इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है अमेजन बेसिन साउथ अफ्रीका में, जायरे बेसिन अफ्रीका में, सॉरी अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका, जायरे अफ्रीका और मलेशिया इन साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इंडिया में ये वेस्टर्न घाट पर डेल्टा रीजन में वेस्ट बंगाल और असम में पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर पाई जाने वाली वेजिटेशन है उसमें आपके हार्डवुड ट्रीज यानी उन पेड़ों की जो लकड़ियां होती है बहुत सख्त होती हैं, जैसे महोगनी, इवोनी, रबर, सिंकोना, रोजवुड पाया जाता है। और यहाँ पाई जाने वाली जो वाइल्ड लाइफ है वो है एनाकोंडा, टोकन्स, मकाऊ, गोरिल्ला, मंकी, पैरट, बर्ड ऑफ पैराडाइज। इसको बर्ड ऑफ पैराडाइज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स और दुनिया की जो सबसे छोटी बर्ड हमिंग बर्ड है जो बहुत सुंदर गाना गाती है जिसे सिंगिंग बर्ड भी शायद कहते हैं, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। बांदीकूट्स और बीवर्स और टोरंटल्स और स्कॉर्पियंस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है, इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्लाइमेट इन दीज फॉरेस्ट मार्क्ड बाय अल्टरनेटिंग स्पेल ऑफ वार्म एंड ड्राई विंटर एंड हॉट वेट समर्स। ये जो एरिया यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो गर्मी बहुत ज्यादा होती है और विंटर जो होते हैं वो सूखे होते हैं, एंड हॉट और वेट समर होते हैं और गर्मी चिपचिपी होती है। द ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई स्पेल। और जब माइक ऑफ रखिए, और जो यहाँ पर पेड़ है वो अपनी पत्तियां विंटर सीजन में गिरा देते हैं, बियर ऑल्सो अगेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और दोबारा उन्हें पत्तियां रेनी सीजन में आती हैं। साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस है ट्रॉपिकल से जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री से, जैसे आप 1 डिग्री ऊपर पढ़ते हैं तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस का एरिया आता है। ठीक है, इन इंडिया ये आपके डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, फुट हिल्स ऑफ हिमालय और ईस्टर्न घाट पर पाए जाते हैं। इसमें टीक, बंबू, साल, देवदार, सैंडलवुड और फर आते हैं।
वाइल्ड लाइफ यहाँ पर टाइगर, लॉयन, नीलगाय, पांडा, हिप्पोपोटामस, बुफेलो, रेप्टाइल्स, डियर और चीतल पाए जाते हैं। अब आता है टेम्परेट डेसिडियस। ये फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, यानी 23 से मैंने एक बस थोड़ा सा जब हमारी डिग्री ऊपर बढ़ती है तो हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस शुरू होता है, और जब हम पूरी तरह से टेम्परेट के बीच में होते हैं यानी 66.5 डिग्री और के पहले ही इधर होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो 64-63 के पास होते हैं और भी नंबर्स हम ले सकते हैं, तब आपका जो टेम्परेट रीजन है वहां पर होते हैं, तो ये फॉरेस्ट वहां पर पाए जाते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट अपनी पत्तियां साल में एक बार गिरा देते हैं। क्लाइमेट यहाँ का जो है वो कोल्ड विंटर सीजन होता है और गर्मियां यहाँ की गर्म और वेट होती हैं, यानी कि चिपचिपी होती हैं। इसी का माइक ऑन है, कृष्णा सिंह। और ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पर बारिश जो है फॉरेस्ट रिसीव प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द, ये बारिश साल में एक बार होती है। ईस्टर्न रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भागों में, साउथ अमेरिका के कुछ क्षेत्रों पर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पार्ट ऑफ चाइना, ईस्टर्न रीजन ऑफ कनाडा में आपके टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। वेजिटेशन यहाँ पर ओक, बीचेस, बर्च, चेस्टनट, एस्पेंस, एल्म, मैपल, बासवुड होता है, और यहाँ पर पाई जाने वाली जो वाइल्ड लाइफ है वो है रैबिट, वेसल, फॉक्स, बियर, डियर, चिंपक, चिंपुक्स, आउल, हॉक, सेलामेंडर्स, टर्टल, फ्लाई कैचर्स, थ्रशेस और मोल्स पाए जाते हैं। अब आपका आता है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, जिसको पिछली बार मैंने आपको बताया था, इसे फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, शालिनी को याद होगा। मेडिटेरियन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर द फाउंड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द रीजन अराउंड द मेडिटेरियन सी। वो क्षेत्र जो मेडिटेरियन सी के पास आता है, वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट पर है, वहां पर, वहां का जो एरिया है वहां पर मेडिटेरियन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्लाइमेट यहाँ का हॉट तो होता है और यानी गर्म और सूखा होता है, जबकि गर्मियां जो ठंडियां हैं वो कूल और मॉइस्ट होती हैं। प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर होता है एंड द ट्रीज जो होते हैं वो अडॉप्ट देमसेल्व, द प्लांट्स एंड द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट अडॉप्ट देमसेल्व टू द विदस्टैंड द कंडीशन ऑफ लॉन्ग, मतलब जो ये लंबी कंडीशन चलती है, ठंडी के जो मौसम है कोल्ड और मॉइस्ट होते हैं, और गर्मियां सूखी होती है, गर्म होती है, तो उनके लिए अपने आप में पानी को अडॉप्ट करके रखते हैं। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो बन गए हैं, उन्होंने कंडीशन को अडॉप्ट कर रखा है। विद दिस कंडीशन टू लॉन्ग हॉट समर्स विद लिटिल रेन, गर्मियां जो होती है उनमें बारिश बहुत कम होती है। द ट्रीज आर द मीडियम हाइट, यहाँ के पेड़ों की जो हाइट होती है वो बहुत मीडियम होती है। हैवी वैक्स, हैव वैक्सी और स्मॉल लीव, यहाँ की जो पत्तियां होती है वो मुलायम होती है और छोटी होती है। दे डेवलप लॉन्ग टैप रूट्स, इनकी जो जड़े होती हैं वो बहुत लंबी होती है, जिसके कारण वो सब सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मेडिटेरेनियन रीजन, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, माल्टा, ग्रीक, रशिया, टर्की, अल्बानिया, क्रोटिया, पार्ट ऑफ सीरिया, लेबनान, मोरक्को और इजिप्ट में आपके ये जंगल पाए जाते हैं। इसके अलावा साउथ सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न साउथ अफ्रीका, पार्ट ऑफ चिली, पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया में भी पाया जाता है। वेजिटेशन कोर ओक, वॉलनट, पाइन, इक्यूलिप्टस, रोजमेरी, मर्टल, ऑलिव, लॉरल्स, जूनिपर, साइप्रस, फिग, हैदर और लेवेंडर यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो है कायोटस, रोड रनर्स, स्क्रब जायस, फॉक्स, ग्रेट बास्टर्ड, इब्रियन लाइनेक्स और बार्बरी मेस्क्यू यहाँ पर पाई जाती है। इसे फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रूट होता है। यहाँ पर नई वेजिटेशन में बताया है ऑरेंज,
है और आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो ये बेरीज होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर नहीं बता रहे हैं बट आपके नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ। इन्हें वर्ल्ड का फूड बास्केट, जैसे आपके नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है, प्रेरीज ग्रासलैंड, उसको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वर्ल्ड ग्रेनरी भी कहते हैं क्योंकि वो दुनिया का अनाज घर है। उसी तरह मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट रीजन जो है उनको फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। फिर आते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, इनके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आपको आगे इन्हें पढ़ना है। ठीक है, और फिर ग्रासलैंड है। चलिए।